आज हम बनाने वाले हैं सूजी का हलवा। और सूजी का हलवा कभी कभी किसी का थोड़ा सा कलर उसका डार्क हो जाता है, कभी कच्चा रह जाता है, तो आज ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो आज मैं कुछ टिप्स के साथ आपको बताऊंगी कि सूजी का हलवा इजीली कैसे बना सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम बना रहा है उससे भी ये हलवा एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप सूजी और छोटी कटोरी भर के मैंने यहाँ पे घी लिया है और इसको मैं मिक्स कर लूंगी। यहाँ पे मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने पीछे से थोड़ा 2-3 चम्मच ऐड किया है, तो टोटल यहाँ पे 1.5 कटोरी जितना घी जाएगा। अब इसको एकदम लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए हमें भून लेना है। इसको हम 2-3 मिनट भून लेंगे। और अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है किशमिश। तो किशमिश यहाँ पे ऐड करने से हमें पता चलेगा कि हमें सूजी को कितना भूनना है। किशमिश जब तक फूले नहीं तब तक हमें उसको सेकना है। किशमिश एकदम फूल जाएगी तब समझ लेना है कि हमारी सूजी भून चुकी है और ये परफेक्ट भुनी हुई सूजी है। इससे हलवा हमारा डार्क नहीं होगा और कच्चा भी नहीं रहेगा। तो हमें जब तक ये किशमिश नहीं फूलती है तब तक उसको हम भून लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सूजी फूल गई है और ये जो अदरक किशमिश हमने डाली थी वो भी फूल जाएगी। तो जब किशमिश फूल जाए तो समझ लेना है कि आपकी सूजी सिक गई है। उससे ज्यादा हमें नहीं सेकना है और उससे कम भी नहीं सेकना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किशमिश और सूजी दोनों अच्छे से सिक गए हैं। ये देखिए हमारी किशमिश एकदम फूल गई है। तो बस हमारी सूजी सिक के एकदम रेडी है और अब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। हमने हाफ कप सूजी लिया था तो इसके अंदर मैं 2 बार हाफ हाफ कप दूध ऐड करूंगी, मतलब कि 1 कप जितना दूध इसके अंदर जाएगा और हाफ कप पानी जाएगा। अगर पानी ऐड नहीं करेंगे तो हमारा हलवा थोड़ा सा चिपचिपा रहेगा, तो पानी डालेंगे तो हमारा हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा, चिपचिपा नहीं रहेगा जरा भी और परफेक्ट बनेगा। अब दूध और पानी डालने के बाद हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए हम पकाएंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको गाढ़ा होने में, तो हम कंटिन्यूसली उसको चलाएंगे और उसको पकाएंगे ताकि नीचे से चिपके नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सूजी ने दूध और पानी ऑलमोस्ट सोक कर लिया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पे चीनी मैंने 2-3 चम्मच लिया है और मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी ऐड किया है। अगर आप कंडेंस मिल्क का यूज कर रहे हो तो चीनी थोड़ी सी कम लेनी है, और अगर पॉसिबल हो तो कंडेंस मिल्क जरूर ऐड करिएगा, इससे ये हलवे का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर। ये इलायची को मैंने 1 चम्मच चीनी डाल के उसको कूट लिया था। अगर इलायची आपको बारीक कूटनी है तो जब आप उसको कूट रहे होते हैं तब उसके अंदर 1 चम्मच जितनी चीनी ऐड करके उसे कूट लीजिए। तो ऐसा करने से जो आपकी इलायची है वो एकदम बारीक कूट जाएगी, उसका एकदम फाइन पाउडर बन जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 से 3 इलायची का यूज किया था। और अब ये इलायची पाउडर डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि घी बाहर आ चुका है, तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा एकदम रेडी है। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा केसर। ये केसर जब हम दूध ऐड करते हैं तभी भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने लास्ट में ऐड किया है, आप पहले भी ऐड कर सकते हो, तो उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हमारा सूजी का हलवा एकदम रेडी है, तो इसको हम सर्व कर लेंगे। तो मैंने एक बोल में उसको निकाल लिया है। और अब ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट से उसको गार्निश कर लेंगे। तो मैंने काजू बादाम और पिस्ता से उसको गार्निश कर लिया है और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी ऐड किया है ताकि देखने में और खाने में बहुत ही मस्त लगे। और ऊपर से थोड़ा सा केसर। तो ये देखिए हमारा सूजी का हलवा एकदम रेडी है। तो कभी भी कोई भी बना सकता है और इजीली बन जाएगा और एकदम परफेक्ट बनेगा। उसका टेस्ट और उसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट आएगी। तो एक बार जरूर घर पे ट्राई करना। ओके, तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये हलवा कैसा लगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा।